हेलो दोस्तों, भजन भक्ति और कहानी चैनल से मैं ज्योति श्रीवास्तव आज आप सभी लोगों को अचला एकादशी की कथा के बारे में सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए हम लोग अचला एकादशी के व्रत के बारे में जानते हैं। अचला एकादशी जेठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जिसे कि अपरा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, परनिंदा और भूत योनि जैसे निकृष्ट कर्मों से छुटकारा मिल जाता है तथा धन धान्य में भी वृद्धि होती है। अचला एकादशी की प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बहुत ही क्रूर धर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बहुत द्वेष और जलन रखता था। वह अपने भाई को अपना दुश्मन समझता था। एक दिन उस पापी ने रात्रि में सोते समय अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शरीर को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा आत्मात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा और हर आते जाते लोगों को सताने लगा। एक दिन अचानक उधर से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात के कारण को समझा और ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठ कर स्वर्ग को चला गया। अतः अपरा एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। चलिए हम लोग ग्यारस माता का भजन सुनते हैं। ग्यारस माता से मिलने कैसे होए कि पांचों खिड़की बंद पड़ी। ग्यारस माता से मिलने कैसे होए कि पांचों खिड़की बंद पड़ी। पहली खिड़की खोल के देखूं कूड़ा कचरा होए। पहली खिड़की खोल के देखूं कूड़ा कचरा होए। मुझ में इतनी अकल नहीं आए कि झाड़ू बुहारा करती चलूं। ग्यारस माता से मिलने कैसे होए कि पांचों खिड़की बंद पड़ी। दूजी खिड़की खोल के देखूं उसमें घोर अंधेरा। दूजी खिड़की खोल के देखूं उसमें घोर अंधेरा। मुझे इतनी अकल नहीं आई कि दिया बाती करती चलूं। मुझ में इतनी अकल नहीं आई कि दिया बाती करती चलूं। ग्यारस मैया से मिलने कैसे होए कि पांचों खिड़की बंद पड़ी। तीजी खिड़की खोल के देखूं गंगा जमुना बहे। तीजी खिड़की खोल के देखूं गंगा जमुना बहे। मुझ में इतनी अकल नहीं आई कि स्नान करके चलूं। मुझ में इतनी अकल नहीं आई कि स्नान करके चलूं। ग्यारस मैया से मिलने कैसे होए कि पांचों खिड़की बंद पड़ी। चौथी खिड़की खोल के देखो तुलसी क्यारा होए। चौथी खिड़की खोल के देखूं तुलसी क्यारा होए। मुझ में इतनी अकल नहीं आई कि जल तो चढ़ाती चलूं। मुझ में इतनी अकल नहीं आई कि जल तो चढ़ाती चलूं। ग्यारस मैया से मिलने कैसे होए कि पांचों खिड़की बंद पड़ी। पांचवी खिड़की खोल के देखूं सामो मंदिर होए।
पचवी खिड़की खोल के देखूं सामो मंदिर होए, मुझ में इतनी अकल नहीं आई कि पूजा पाठ करती चलूं, मुझ में इतनी अकल नहीं आई कि पूजा पाठ करती चलूं, ग्यारस मैया से मिलन कैसे होए कि पांचों खिड़की बंद पड़ी, ग्यारस मैया से मिलन कैसे होए कि पांचों खिड़की बंद पड़ी।